हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आपका छोटे से सर्विस सेंटर में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने मेरा थंबनेल को देख के इस वीडियो को ओपन किया है और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है रेडमी एम आई एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक कैसे तोड़ें। अगर आप भी Redmi MI Android स्मार्टफोन यूज करते हो या Redmi MI Android स्मार्टफोन न्यू मार्केट से परचेज करके लेके आए हो, किसी कारणवश आप अपना Redmi मोबाइल में पासवर्ड लॉक लगा के आप अपना पासवर्ड को भूल चुके हो फ्रेंड, तो आपका फ़ोन इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इस परेशानी से निकलने के लिए, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जाते हो सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास। दोनों जगह आपसे आपका पैसा लिया जाएगा, समय लिया जाएगा, तब जाकर आपका फ़ोन अनलॉक होगा। लेकिन तीसरा, आपका डाटा भी लिया जाएगा जो आप अपने फ़ोन में सेव करके रखते हो सालों से, फैमिली फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टोटल का टोटल वो सब आपका डिलीट हो जाएगा सर्विस सेंटर जाने से। लेकिन इस वीडियो को आप ओपन किए हो तो इस वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताने वाले हैं जिस मेथड से आपका Redmi MI Android स्मार्टफोन अनलॉक होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा। पैसा नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा और फ़ोन में हम दिखाएंगे भी आपको कि कैसे अनलॉक होता है, जो सर्विस सेंटर वाले आपको कभी नहीं बताते हैं। बिना डाटा डिलीट किए हुए आप अपना Redmi MI Android स्मार्टफोन अनलॉक कर सकते हो फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो में हम आपको बताएंगे रेडमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है घर बैठे, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम आपको बताएंगे कैसे रेडमी का लॉक तोड़ा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुँचता रहेगा। फ्रेंड, सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपने अपना फ़ोन में लगाया पासवर्ड फ्रेंड, तो यहाँ पासवर्ड शो कर रहा है। अगर पैटर्न लगाते तो पैटर्न शो करता, पिन लगाते तो पिन शो करता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ वर्क करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल है, बाकी आप कहीं भी देख लो कोई ऑप्शन नहीं है। आपका जो डायलेट ओपन हुआ ये पासवर्ड वाला डायलेट है जो आपको अपना पासवर्ड पता नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे बार बार जब आप ट्राई करोगे तो आपको सेकेंड, कुछ देर बाद मिनट, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर हमको पासवर्ड पता नहीं है तो हम ट्राई नहीं करेंगे। हमको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपके सामने एक न्यू डायलेट का ओपन हुआ है। तो इस न्यू डायलेट में आपको जो कोड मैं दे रहा हूँ फ्रेंड, ये कोड को बस ध्यान रखना, टोटल वर्क इस कोड पे होगा। जो कोड मैंने अभी अभी आपको दिया है, ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड, जिस कोड के मदद से आपका दो प्रॉफिट होने वाला है। पहला प्रॉफिट ये होगा फ्रेंड कि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल है वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप होगा। दूसरा प्रॉफिट, जो सर्विस सेंटर वाले पैसा समय लेने के बावजूद भी आपको नहीं देते हैं, जो होता है डाटा। डाटा आपका इस कोड से टोटल का टोटल रिकवर होगा फ्रेंड। 2024 का ये लेटेस्ट वीडियो है और लेटेस्ट मेथड है फ्रेंड, और ये कोड जो मैंने आपको दिया है वो कोड वर्किंग कोड है। इस कोड की मदद से आपका दो प्रॉफिट, डाटा रिकवर और ईमेल जीमेल ब्रेकअप होगा। कैसे होगा फ्रेंड और इस कोड का यूज कैसे करना है ये भी आप देख लो। इस कोड को 3 times कॉल करना है, ओनली 3 times, ताकि ये कोड आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए, क्योंकि डायलेट पे डायल करने से ये कोड वर्क नहीं कर रहा है जो आप देख सकते हो। तो 3 times कॉल करना है। कैसे करना है ये पहले आप सीख लो। जब कॉल पे क्लिक करोगे कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको कर लेना ओके। ये हुआ आपका 1 time कॉल कंप्लीट। इसी प्रकार आपको 3 times करना है, 2 and then 3। अब आपके फ़ोन में ये कोड एक्टिव हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ फ्रेंड, लेकिन अगर हुआ है तो आपको वीडियो के एंड में आपका डाटा हम जरूर दिखाएंगे, जो डाटा आप सेव करके रखे हो। तो अब इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा, ना कि डायरेक्ट हटाइएगा, एक एक करके। टोटल कोड का अलग अलग फॉर्मेलिटी होता है। अब आपको जस्ट बिना टाइम लिए ही हम आपको वो कोड दे रहे हैं, 99*#। ये कोड आप देख सकते हो कि पिछला वाला जो कोड मैंने दिया उसके बीच में *# था, लेकिन ये कोड जो मैंने अभी अभी आपके डायलेट पे डायल किया है, ये कोड के बीच में कोई *# नहीं है, क्योंकि ये गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड है, जिस कोड की मदद से आप किसी भी रेडमी का लॉक तोड़ सकते हो। इस कोड को 9 times कॉल करना है फ्रेंड, बोले तो 9 times, ताकि ये कोड रनिंग करे, वर्किंग करे और आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए, और आपका या आपको हार्ड रीसेट करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही रीस्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है फ्रेंड। बस 9 times कॉल कंप्लीट कीजिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट एंड देन नाइन, जिस एमआई एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, रेडमी एमआई एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ये कोड कॉल करने से गायब हो जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं पर्सनली बता देना चाहता हूँ कि ये कोड आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 9 times डायलेट पे डायल करो और 9 times कॉल कर लो फ्रेंड, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब इस कोड को डायरेक्ट हम हटाएंगे, होम बटन है, होम बटन पे हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये फ़ोन सच में अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है फ्रेंड। इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते तो पैसा देना पड़ता, समय देना पड़ता और टोटल का टोटल डाटा भी देना पड़ता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने आपका पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और जो भी किया आपको दिखाया भी, जो सर्विस सेंटर वाले नहीं दिखाते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको ऑन कर लीजिएगा, आप हमसे कनेक्ट हो जाइएगा और आपके पास कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप रहो, आपका फ़ोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।